हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यस्टरडे हमने स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखा ड्यू टू ईडी रेट। इस पर्टिकुलर शेयर में हमने जबरदस्त फॉल देखा। आज भी ये स्टॉक प्री ओपन में बहुत ही नीचे ओपन हुआ, 154 इसका लो है, बट मार्केट ने भी रिकवरी दिया। एंड जिस तरह से मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट आए, हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में मामला जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ने वाला है। यानी जितना डर शेयर होल्डर को लग रहा था उतना कुछ हुआ नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए, या फिर अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है अभी आपको यहां से एग्जिस्ट लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से रिकवरी स्टॉक ने दिखाया है उससे यही लगता है कि आने वाले टाइम में थिंग्स विल गेट नॉर्मल। निफ्टी अगर रिकवर करता है तो ये स्टॉक फिर से 200 की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। रियल स्टेट सेक्टर में जिस तरह का डिमांड है उसका सीधा बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर पड़ेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इज अ काइंड ऑफ कंपनी जो कि बहुत ही पुराना कंपनी है। इंडिया बुल इनका एक रियल स्टेट बिजनेस भी है, सो डेफिनेटली लोन लेने के लिए यानी लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में इनको कोई परेशानी होती नहीं। एंड आने वाले टाइम में इनके रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग आएंगे। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर रिजल्ट्स आर वेरी गुड, सो डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग इन द फेवर। ओनली ईडी रेट की वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ा है। डेफिनेटली मार्केट भी बहुत वोलेटाइल है। हालांकि अगर प्राइस टू अर्निंग बिलो 7 है जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मार्केट कैप 7,811 करोड़ है। अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एंड एमएफआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 25.8 एंड एमएफआई में 38। आरएसआई में ये स्टॉक सिंपली ओवरबॉट है, सो यहाँ पे एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा ही हुआ। निचले लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया। एमएफआई में 38 का स्कोर है। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अगर स्टॉक गिरता है आपको बाई करना चाहिए। हालांकि इसका जो सपोर्ट है एट दैट मोमेंट 154 है एंड 150 है, इसके नीचे जाएगा सो डेफिनेटली और भी कुछ सपोर्ट है। कौन से वो सपोर्ट है आइए जानते हैं। उससे पहले आपको जानना है इसका रिटर्न। 1 वीक का अगर आप रिटर्न देखोगे 194 हाई 154 लो, नेक्स्ट यानी लास्ट 1 ईयर में 154 इसका लो है जो आज ही स्टॉक ने टच किया है। एंड 1 वीक हाई 194, 1 मंथ हाई 228 एंड 3 मंथ हाई 282, यानी स्टॉक 282 से 154 ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है इन द लास्ट 1 ईयर। यानी तगड़ा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आफ्टर द रिजल्ट स्टॉक वाज गोइंग वेरी वेल, 222 का हाई भी है, वहां से स्टॉक बहुत नीचे गिर गया है। एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने आज बाय किया है वो थोड़ा कॉशियस भी उड़ा के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे। अगर मार्केट गैप अप होता है या फिर कुछ और होता है 175 के करीब आपको प्रॉफिट बुक करना है, नीचे आता है फिर आपको बाई करना है। डेफिनेटली मार्केट इज वेरी वोलेटाइल एंड ऊपर की लेवल से बाई नहीं करना। अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, सो वेट एंड वॉच। अगर बहुत गिरता है देन डेफिनेटली 150 के करीब आपको थोड़ा स्टॉक को बाई करना चाहिए। अगर स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक का जो सारा सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बहुत दूर है। 200 सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 234 है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 221 है। 221 जो कि स्टॉक का 1 मंथ हाई भी है। 220 को तोड़ने में स्टॉक को बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था, वहां से स्टॉक ने नेगेटिव डाउन ट्रेंड शो किया। अगर हम स्टॉक का टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें सो डेफिनेटली 154 के बाद 141-122 सो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो बहुत गैप में, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे 172-185। एज आई सेड 175 आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। अगर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है HDFC। आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है 70% आपका इन्वेस्टमेंट HDFC के ऊपर होना चाहिए। रेस्ट जो 30% है वो आपको 4-5 कंपनी में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस एंड कैनफिन होम जैसे कंपनीज का नाम शामिल है जो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट 70% ऑफ द एलोकेशन आपको HDFC के ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट दैट मच वोलेटाइल काइंड ऑफ स्टॉक। रिजल्ट आप देख सकते हो, प्रॉफिट जो है 303 करोड़ आया है वर्सेस 286 करोड़। डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। आने वाले टाइम में वी होप के 10% का भी ये जंप दिखाता है ईच एंड एवरी क्वार्टर, दैट विल बी द फिनोमिनल परफॉर्मेंस। सो रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड स्टैंडर्ड नंबर तो और भी अच्छे, 108 से 190 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नंबर है। सो डेफिनेटली कंपनी रिकवर कर रहा है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रोथ हम इस स्टॉक में देखेंगे। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छे है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का 43% स्टेक, यानी पब्लिक होल्डिंग इज टू मच। FI का 29% है, DI का 14%। सो रियल स्टेट स्टॉक में इतना ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर का निवेश होना कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली इंप्रूव करता है। सो ओवरऑल स्टॉक इज गुड, डाउन साइड है तो बाय कीजिए, थिंग्स विल गेट नॉर्मल विद इन अ वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू इस कंपनी के साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत हुए, बट ईच एंड एवरी टाइम स्टॉक ने बाउंस बैक दिखा है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक है जो परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद ड्यू टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू उन पर हमने बहुत सारा करेक्शन भी देखा, बट वी होप एवरीथिंग विल गेट नॉर्मल। एंड जिस तरह का बाउंस बैक स्टॉक ने दिखा है
वी होप आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टॉक के ऊपर आए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।